बड़ी खबर आ रही है, चन्नी के मुख्यमंत्री बनते ही पहला प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस हुसैन लाल सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, वहीं राहुल तिवारी स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, जैसे ही उन्हें कुर्सी मिली, कुर्सी मिलते ही सबसे पहले उन्होंने प्रशासनिक तबादले किए हैं, नई नियुक्तियां की हैं। उसके मुताबिक आईएएस हसन लाल सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। ये वो पद है जो तमाम बड़े फैसलों में मुख्यमंत्री की मदद करते हैं, तस्वीर साफ करने की कोशिश करते हैं, साथ ही राहुल तिवारी को स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए। ये दोनों ही आईएएस अधिकारियों के पद हैं जो बेहद करीब से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य के तमाम अहम कामों को अंजाम देते हैं, पॉलिसी मेकिंग में साथ रहते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले उन्होंने प्रशासनिक फेरबदल किए हैं और चन्नी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो कितने फर्म है, कितने दृढ़ है राज्य के विकास के लिए। और वो करते हैं गुरप्रीत चिन्ना का, गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए। गुरप्रीत, सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए, जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जैसे ही उन्होंने शपथ ली है, इस लेवल पर सबसे बड़ा फेरबदल उनके आते ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो मेन ऑफिसर होते हैं, हमने देखा कि इमीडिएटली जैसे ही चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही ये ऑर्डर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है आगे अपने ऑफिसर बदला, बड़ा फेर बदल हो सकता है, क्योंकि सुबह के क्या लगाए जा रहे हैं कि डीजीपी भी बदल सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल सकते हैं, क्योंकि जो 18 पॉइंट एजेंडा है वो उसके लिए इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी लाने चाहिए। और सुखजिंदर रंधावा, तृप्त रजेंद्र बाजवा और जितने भी मंत्री हैं उनके साथ बैठ के बैठक होगी और बड़ा फेर बदल भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहला जो हम देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो बदल के हुसैन लाल जी लगा ले हैं। तेजवीर सिंह जो पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होते थे, उनको बदल दिया गया है। और जो मीडिया एडवाइजर थे, जो डील करते थे, उनको लेके बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फेर बदल होने की और भी संभावना है। चलिए गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर और रोशनी डालने के लिए। तो बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार, कल सुपर संडे था और आज सोमवार का दिन है, पंजाब की सियासत में लगातार उथल-पुथल जारी है। अब